हे गाइस, गुड नाइट। मतलब मेरी ब्लॉगिंग हो रही है रात को 9 बजे, क्योंकि आज पूरे दिन बहुत 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 बिजी थे। सो मैं अभी ब्लॉगिंग किचन से स्टार्ट कर रही हूँ। इसलिए किचन से स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि मैं अभी जा रही हूँ खाना बनाने। आज इतना लेट हो गया काम करते करते। घर का काम नहीं, कुछ और भी काम होते हैं, ऑफिस के भी काम होते हैं। काम करते करते इतना लेट हो गया कि आज मैं 9 बजे किचन में आई, जो कि हमारा खाना बन जाता है 8 o'clock पे हो जाता है। सो मैं 9 बजे आई हूँ और मैं अब अभी कुछ खास नहीं बनाऊंगी, बिकॉज़ क्या है ना, सब्जी पड़ी हुई है और इन्होंने बोला है पराठे बनाओ, क्योंकि हमारे ना घर में ना पराठे के बहुत शौकीन है, पराठे पूड़ी बहुत ज़्यादा शौकीन है। तो मैं यहाँ पे बना रही हूँ पराठे, बना रही हूँ, आटा गूँथूंगी, क्योंकि आटा गूँथना सबसे बड़ा टारगेट होता है। आटा गूंथूंगी, आटा गूंथ के गर्मा गर्म पराठे सेकूंगी सबके लिए, सबके लिए मतलब पीहू और नवीन के लिए। क्योंकि मेरा डिनर, अगर मेरे बहुत बड़े फॉलोअर्स हो आप, बहुत बड़े अच्छे सब्सक्राइबर हो, तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी इस बंदी का नाइट का खाना 7 o'clock से पहले हो जाता है। सो लेट। पे मैंने निकाल लिया आटा, आटा को मैं गूंथूंगी, इतना गूंथूंगी गूंथ गूंथ के इसका मैं पराठा बना लूंगी। कल है सैटरडे, तो कल है छुट्टी, छुट्टी कल हम लोगों से निकलना है, कहीं बाहर जाना है। सुबह जाएंगे और 3 बजे तक आ जाएंगे, क्योंकि फिर वो 3 बजे घर पे आ जाएंगे। हमें ऑफिस से काम से ही बाहर जाना है, तो हम कल 3 बजे तक घर पे आ जाएंगे। उसके बाद से लंच करेंगे, थोड़ा रेस्ट करेंगे, फिर संडे वीकेंड मनाएंगे अपना। हम वीकेंड क्या मनाते हैं, संडे को भी ये नहीं रहते हैं घर में। मेरे ब्लॉग में तो आप कहीं देखते भी नहीं होगे, ये रहते ही नहीं है, तो क्या ब्लॉग में लेना, खुद ही करो। तो यहाँ पे मेरा आटा हो गया गीला। तो मैं आपसे एक बात बोलने वाली थी, मैं आपसे आप लोगों से ये बोलने वाली थी कि व्यू तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, हर चीज़ के हो जाते हैं, लेकिन उस व्यू के लिए ना हमें कुछ अपनी इमेज ख़राब करनी पड़ रही है। बहुत मतलब बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर नहीं है, बट हम तो उतने बड़े हैं भी नहीं कि हमारे वैसे हों, लेकिन मैंने बहुत सारे जो आजकल के जो मतलब मैं क्या है नाम तो नहीं रह सकती, बट हाँ वो लोग अपनी फैमिली को ही लेके इसमें सोशल मीडिया पर अपडेट कर दे रहे हैं ऐसा वैसे। यार हर घर में होता है, ऐसा नहीं है कि हर घर में एकदम शांति सुकून की ज़िंदगी है, किसी के घर में ऐसा ऐसा तो है ही नहीं किसी के घर में, और मैं मान भी नहीं सकती। हर घर में थोड़ा होता है, क्योंकि हर इंसान का नेचर अलग होता है, तो ऑब्वियसली सबका होता ही, क्योंकि मेरा नेचर कुछ अलग है, मेरे से जो बात करेगा उसका नेचर अलग, तो उस चीज़ को हम सोशल मीडिया पर नहीं ला सकते, और मैं तो कभी भी ना लाऊं। मेरे सब्सक्राइबर बढ़े, मेरे व्यू हो या ना हो, मैं सिर्फ मैं खुद अपने गट्स पे मैं जो भी आज बढ़ी हूँ, ना ही मेरे हस्बैंड इन्वॉल्व होते हैं मेरे ब्लॉग में, उनको नहीं पसंद है, बोलते तुमको करना है करो, तो मैं अपना करती हूँ, मुझे पसंद है, और पसंद भी है तो ऐसा कुछ गलत भी नहीं रहता। आप मेरे वीडियो को देखोगे तो ऐसा कुछ भी नहीं रहता, मैं अपने रिलेटेड ही जो भी रहता है, मैं चाहती हूँ मैं ऐसी साफ सुथरी वीडियो से मैं आगे बढ़ूँ, ना कि मैं अपनी सासू माँ को कुदा दूँ, अपने ननद को कुदा दूँ, अपने जेठानी को कुदा दूँ इसमें व्यू बढ़ाने के लिए, ऐसा कुछ नहीं। अगर वो लोग भी आएंगे तो सिर्फ पॉजिटिविटी रहती है हमारे उसमें, तो मुझे पसंद भी नहीं है, मुझे क्या किसी को भी नहीं पसंद होगा, लेकिन कुछ लोग हैं जो सोचते हैं हाँ एकता कपूर की सीरियल बना दें ब्लॉग को, तो वो चीज नहीं होनी चाहिए, और मुझे तो बिल्कुल भी नहीं पसंद है। तो मैंने सोचा चलो ब्लॉग ही बनाना, तो एक साथ ही कंटिन्यू कर देती हूँ, कि मैं एक्चुअली सच में बहुत ज्यादा अभी 8 o'clock बहुत ज्यादा लेट हो गया था, इसकी वजह से मैंने बोला किचन का, मेरे ख्याल से जब से डेंगू हुआ तब से मैं किचन से कोई अपलोग ब्लॉगिंग नहीं की, तो मैंने बोला चलो आज किचन से ही ब्लॉगिंग करती हूँ मैं। और आटा बहुत ज्यादा गीला हो गया है, तो मैं किसी को भी यही बोलना चाहूंगी,
कोई ब्लॉग मेरा देखे ना देखे वो बात अलग की बात है, लेकिन जो भी देखता है ना तो मैं उसको ये बोलूंगी कि आप कभी भी फैमिली को इसमें मत घसीटो, उससे व्यू तो बढ़ते हैं। आई नो किसी को भी किसी के में मजे लेने में किसी को भी अच्छा लगता है, किसी घर में झगड़ा होगा तो किसी को भी अच्छा लगता है, सुनने में मजा आता है, बट ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं तो नहीं ला सकती। हाँ मेरे रिलेटिव जो भी रहता है मेरी फैमिली मतलब मेरे हस्बैंड वो तो नहीं रहते, मेरी बेटी वो भी नहीं रहती है, क्योंकि उसको उसको भी मैं इन सब चीज़ों से दूर रहती हूँ, क्योंकि उसको शौक भी नहीं, आप बिलीव नहीं करो उसको फोटो शूट कर मतलब कुछ भी शौक नहीं उसको, इन सब चीज़ों में वो नहीं इंटरेस्ट, सिर्फ मैं ही हूँ और पता नहीं कहाँ से मैं हो गई हूँ, आई डोंट नो, बट मुझे अच्छा लगता है सोशल मीडिया पर रहना। और जैसे मेरे हस्बैंड वैसे मेरी बेटी दोनों को नहीं पसंद है, कोई नहीं मैं अकेले बनाती हूँ, इतना गर्व जरूर रखती हूँ कि मैं अकेले ब्लॉग बना के आगे बढ़ सकूँ, जरूरी है कि हस्बैंड और बेटी का मैं सहारा लूँ। अच्छा है वो अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे तो ज़्यादा ही अच्छा है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि स्टडी बहुत मस्त है। मैं फटाफट पराठा सेकूँगी, सब्जी गर्म करने को रख दी मैं, इधर मेरा घी का डब्बा निकल गया जो कि हमारे यहाँ बहुत पसंद से लोग घी खाते हैं, और मेरे बाप खुल गए तो मैं बना भी नहीं सकती हूँ क्योंकि मैं अब पराठे सेक के ही बनाऊंगी। आपको मेरी ब्लॉग कैसे लगती है प्लीज कमेंट में बताना, लाइक करना शेयर करना सब्सक्राइब करना, बहुत छोटी सी ब्लॉग है, मैं किचन में आटा गूंथती और एक दो पराठे सेकते हुए मेरी ब्लॉग खत्म हो गई। और मुझे ना तीज की थोड़ी सी मतलब शॉपिंग भी करनी है, शॉपिंग मीन्स साड़ी तो नहीं ले रही, झूठ नहीं बोलूंगी साड़ी तो नहीं लूंगी मैं, एक मैं जो पड़ी हुई है वही नहीं पहनती हूँ, जो चढ़ाते हैं और जो दान करते हैं वो चीज़ें, मुझे मेकअप का सामान लेना है। हमारे है ना मतलब उसको ना दो जगह लेते हैं, एक जगह जो लेते हैं वो हम क्या करते पता है क्या, हम खुद यूज करते हैं, एक जगह जो जो चढ़ाएंगे वो यूज करेंगे, और एक हम ब्राह्मण को दान करते हैं, जैसे जो भी हमारा श्रृंगार का सामान होता है सारा, तो वही लेना है मुझे। देखती हूँ कल टाइम मिला तो कल ले लूंगी, और नहीं तो ये मुझे बात बहुत परेशान कर रहा खुल गया, नहीं तो मैं परसों पक्का ले लूँ क्योंकि मंडे को है, और मंडे को बिना पानी का फास्ट रखना है, मैंने अभी पानी नहीं पिया है, तो वैसे तो मेरी मम्मी ने बोला कि पानी पी लेना क्योंकि प्लेटलेट मेरा भी रिसेंटली आपको पता है कि मेरा अभी अब अभी भी मैं मेडिसिन खाती ही हूँ। देखती हूँ कल तो नहीं हो पाएगा, मुझे नहीं लगता है कल मेरी शॉपिंग हो पाएगी ये छोटे मोटे सामानों का, परसों ही होगा, और मेरी आदत बहुत ही गंदी है, बहुत ही गंदी है, ऐसा नहीं होना चाहिए बहुत ज़्यादा। मैं जैसे कि ये बात मैं बहुत सारे ब्लॉग में भी बोल चुकी हूँ कि ना आदत डालनी चाहिए अकेले बाहर निकलने की, मेरी जो वो आदत ही नहीं है, अब बिलीव नहीं कि मैं कभी ऐसी शॉपिंग नहीं करती अकेले जाके। एक बार ही मैंने पिछली दिवाली पे किया था, मैं अपने स्टाफ के लिए स्वीट्स और गिफ्ट लिया था, वो भी इसलिए क्योंकि नवीन ने बहुत मजबूर कर दिया था कि पास के मार्केट में जाओ लेकर आओ, तो मैं वहाँ से जाकर लेकर आई थी, नहीं तो मैं कभी भी नहीं करती हूँ, मजबूरी में ही हो गई थी, मैं बिना खाना के बिस्किट के रह जाऊंगी लेकिन नहीं जाऊंगी, ऐसा हो जाता मेरे साथ में। ये मेरे बन गए दो पराठे, और ब्लॉगिंग भी आपके साथ साथ हो रही है, आज का मेरा कंटेंट यही है कि मैं अपने ब्लॉग को व्यू को बढ़ाने के लिए मैं अपनी फैमिली बहुत सारे आजकल तो सोशल मीडिया पे यही चल ही रहा है, और जिसकी वजह से थोड़े व्यू उनके आ रहे हैं, तो वो मैं नहीं कर सकती, कभी भी नहीं कर सकती हूँ। मेरे घर में भी भूकंप नहीं है, सबके घर में भूकंप है, मेरे घर में भी सबके घर में भूकंप होता है, क्योंकि हम सबकी ऐसा नहीं कि आगे वाला गलत है और ऐसा नहीं कि आप गलत हो, बस फर्क पड़ जाता है सोच का, इस सोच हम लोगों की अलग होती है, जैसे कि मेरे घर में कुछ और सोचते हैं फिर मेरे को बोलते हैं वो लोग तुम कहाँ से आई हो कि तुम्हारी सोच है तुम ऐसे सोचती हो, तो सोच सोच का फ़र्क पड़ता है, इंसान का गलत नहीं होता सोच की फ़र्क होती है, तो उस चीज़ों को मुझे भी बहुत लोग टारगेट करते हैं, मतलब घर की फैमिली वाले भी करते हैं, लेकिन क्यों लाल लाने का उनको, अरे ठीक है ना उनकी उनकी सोच, सबकी अपनी अपनी सोच है ना।
तो ये आपको मेरे पराठे की घी की खुशबू आ रही है? आती होगी, अगर आती होगी तो आप बोलो, अपडेट करो, मैं यहाँ पे नीचे अपना एड्रेस मेंशन कर दे रही हूँ, आप लोग आ जाओ एंड मेरे हाथों पर पराठे खा के जाओ। चलो खाना बन गया, जो जो खाना चाहता है आ जाओ, खाना बन गया, पराठे मिल बन गए बेटे, आ जाओ। दो ही लोग तो दो ही लोग को बोलूंगी ना मैं, जिसको जिसको पसंद है वो आ जाए। ये पराठे भी लेते जाओ, डैड को बोलो लेते जाओ। डैड लीवा तेरा रंग था मैं तो तू ही था मैं, इधर बैठा है दही लेना है क्या? ना नहीं, काफी इसमें दही अच्छा नहीं लगेगा, नमक ही चाहिए, नमक थोड़ा सा शरीर में जाता है। तो गाइस मैं अपनी ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ, और मेरी ब्लॉग पसंद है तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, बहुत सारा प्यार देना, एंड कुछ नहीं, बस यही इतना करना, कृपा करना, मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब प्यार एंड बहुत सारा व्यू, उसी से इनकम आती है, तो वो जरूर करना, व्यू ज़रूर देना, उसी से पैसे बढ़ते हैं मेरे। सो जस्ट जोक, या जोक नहीं, मैं जोक में बोल रही हूँ बट ये बात फैक्ट है कि व्यू से ही बढ़ते हैं, तो प्लीज़ व्यू देना कि आपकी छोटी सी यूट्यूबर की थोड़ी सी अच्छी सी इनकम हो। ओके सो गुड नाइट।